कुछ दिनों पहले सुसाइड करने वाली टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी प्रेग्नेंट थी। मुंबई के जे हॉस्पिटल की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रत्यूषा ने सुसाइड के एक दिन पहले ही अबॉर्शन करवाया था। फिल्म ढिशूम की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके रैप पर फिल्म के डायरेक्टर एक्टर्स मीडिया से इंटरेक्ट हुए, जहां फिल्म को लेकर जॉन, जैकलीन और वरुण काफी एक्साइटेड दिखाई दिए। एवरी स्टंट दैट वाज देयर, फर्स्ट जॉन वुड ट्राई इट, देन ही वुड बी लाइक ओके यू डू इट, इवन इफ ही वाज नॉट इन द स्टंट। राम गोपाल वर्मा इन दिनों काफी चर्चाओं में हैं। एक तरफ तो उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म वीरप्पन का ट्रेलर लॉन्च किया, वहीं दूसरी तरफ सुपरस्टार रजनीकांत के लुक्स और डांस मूव्स पर ट्वीट कर कंट्रोवर्सी शुरू कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें रजनी के फैंस का गुस्सा झेलना पड़ा। बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि रजनी के फैन मजाक भी नहीं समझते। रोजा और बॉम्बे के हीरो अरविंद स्वामी काफी समय बाद मुंबई में नजर आए। अरविंद जल्द ही डियर डैड नाम की फिल्म में दिखाई देंगे, जिसके गाने की रिकॉर्डिंग उन्होंने मुंबई में की। कहा जा रहा था कि डायरेक्टर कबीर खान की फेवरेट कैटरीना सलमान के अपोजिट ट्यूबलाइट में नजर आएंगी, बट अब उन्हें दीपिका ने रिप्लेस कर दिया है। हॉलीवुड मूवी की शूटिंग खत्म करने के बाद दीपिका जुलाई से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगी। इस साल ये दीपिका की फर्स्ट मूवी होगी और पहली बार सलमान और वो एक साथ दिखाई देंगे। डिजाइनर बिभू मोहपात्रा ने मुंबई में अपना फर्स्ट ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च किया, जहां शो स्टॉपर रही अथिया शेट्टी, तो वहीं अभय देओल, संगीता बिजलानी भी इस इवेंट पर नजर आए। बॉलीवुड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग दैनिक भास्कर .com।